सो गाइस फाइनली अपन कल जहाँ थे मैंने कहाँ तक कर दिया था। पहले सेशन में आपको 5 टूल्स की वर्किंग बता दी थी, फ्री हैंड तक आई थिंक इसमें पैन टूल वगैरह सब थे, है ना। तो ऑलमोस्ट इसकी वर्किंग मैंने आपको बता दी थी। तो अब अपन चलते हैं इस टूल की तरफ। ये टूल क्या होता है, इसको बोलते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल। ठीक, इस टूल की वर्किंग क्या है, देखिए ये अपन लाइन ड्रॉ कर रहा है। तो ये जैसे कभी कभी अपन शेप बनाते हैं किसी का, सपोज ये मैंने सर्कल लिया और सर्कल को मैं कंट्रोल पकड़ के मैंने इसको बड़ा करा। ठीक, इसमें मैंने कलर चूज करा, कलर 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 दिस वन। ठीक, कलर चूज कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे आईज बनाना है। ठीक, समझ रहा हूँ आप, मुझे आईज बनाना है। तो मैं शिफ्ट पकड़ के इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये देखो आईज का शेप आ गया, मतलब जिसके अकॉर्डिंग अपन को करना है ये। तो इसमें से जो उनसा बेटर लगे वो उनसे ले लीजिए। तो मैं ले लेता हूँ इसको, उसके अकॉर्डिंग सेटिंग कर लें अपन के भाई। सॉरी, लाइक दिस, इसको थोड़ा पास कर लेता हूँ। अब जो है इस टूल की हेल्प से मैं इसके इसके ऊपर थोड़ा कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कुछ, तो मैंने ये ड्रॉ तो कर दिया, इसका मैंने साइज छोटा करा। देन इधर लगा दिया एक, इसकी कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट करा, एक लगा दिया इधर। तो देखा जाए तो काफी कूल लग रहा है। अब मुझे बनाना है माउथ। देखो आप कैसे ही शेप ले लोगे, तो वो थोड़ा सा इस टाइप का कुछ बन जा भाई, ये चलेगा। तो ये मैंने माउथ का वो ले लिया। अब मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, इसका रोटेशन हल्का सा ऐसा कर देता हूँ, और इसमें कलर में रेड फिल कर देता हूँ। देखो मेरी चीज है ना, देखते रहना जो मैं बताता जा रहा हूँ। जिसमें ऑप्शन बंद नहीं हो रहा कुछ ना कुछ, इसको फाइनली ब्लैक ही रहने देता हूँ मेरे हिसाब से। तो समझ लो बस, आप उस चीज को कोई बोलते है ना। देन ये चीज तो आपको टूल्स की वर्किंग समझ में आ गई होगी, आर्टिस्टिक मीडिया टूल की। अब जो है मैं क्या करूं इसके अंदर, क्या करूं, चलो ये जो टूल होता है, पहले ये रेक्टेंगल टूल का समझ लीजिए। रेक्टेंगल टूल जो होता है ये इसके बाद आता है, ये अपना बॉक्स वगैरह काम करने के काम में आता है। मैंने अभी जो आपको बताया था ये बॉक्स अपन को करना है। अच्छा, इस पर अपन जब वर्किंग करते हैं तो इस पे कलर फिल यहाँ से हो जाता है। ठीक, और यहाँ से इसकी आउटलाइन बड़ी हो जाती है। अब यहाँ से अगर कलर करना है तो मैं माउस का राइट क्लिक करूँगा तो आउटलाइन कलर होगी, देन लेफ्ट करूँगा तो कलर फिल होगा। ठीक, तो ये बॉक्स की वर्किंग है। देन ये जो अपने पास इलिप्स टूल है, इसकी वर्किंग मैंने आपको दिखाई दी सर्कल बनाने के बाद, सेम वही रेक्टेंगल की तरह ही है। राइट से कलर फिल कर लीजिए, लेफ्ट से अपन आउटलाइन फिल करते हैं। तो ये तो मैंने बना दिया इसका। इसके बाद इसमें भी एक जो है, इसके अंदर भी एक और टूल होता है 3.2, उसकी भी सेम वर्किंग वैसी है जैसे मैं, चलो इसकी बता देता हूँ आपको। मैंने ये एक बार क्लिक करा और ये स्ट्रेट लाइन लगा, शिफ्ट दबाऊंगा तो देखिए लाइन सीधी जा रही है, शिफ्ट छोड़ूंगा
तो ये टेढ़ी आड़ी हो रही है, पर कर्सर पे क्लिक है मेरा, मैंने छोड़ा। अब जब छोड़ने के बाद मैं माउस को रोटेट करूंगा कहीं भी, तो उसके अकॉर्डिंग सिक्वेंशियली वो बॉक्स क्रिएट कर देगा। बस इतना सा काम होता है इस टूल का, और कुछ नहीं है। ऐसे इलिप्स में है ये सेम। तो टूल्स की वर्किंग आप करते रहेंगे तो समझ में आती रहेगी। इसके बाद आता है अपना पॉलीगन टूल्स हैं, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। ये देखिए मैंने डबल क्लिक करा, उस पर पॉलीगन हुआ, स्टार हुआ, ये सब ये सिंबल वगैरह बनाने के लिए। और कोई भी अपन को डिजाइन पैटर्न या शॉर्टकट देना है उसके अकॉर्डिंग, ग्राफ्स हुआ, स्पायरल हुआ, ये सब उसी में काम आते हैं। तो ये तो हो गई उनकी बात। इसके बाद अपना इनको डिलीट कर देता हूँ। देन अब जो है एलिप्स टूल ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा और कुछ करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ है मुझसे तो मैंने जेड प्रेस करा, ये जूम का हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं अपन। अब इससे क्या है, अपन को देखना है कि अपन को इसका पोर्शन रखना कहाँ है। जैसे मुझे उस साइड दिखाना है, तो मैंने एक इसकी आई इधर कर दी, देन इसी की कॉपी पेस्ट करा और इसको मैं इधर कर देता हूँ। तो ये कुछ देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा लगेगा ना। वो तो यार देखो, जितना अपन जाएंगे उतना इसमें क्रिएटिविटी होती जाएगी। क्या वीडियो ज्यादा बड़ी बनाता नहीं, बनाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि बोर हो जाओगे आप लोग। तो वरना क्रिएटिविटी तो अपन बहुत सीखते रहेंगे आगे चल के, बस फॉलो करते रहना चैनल को, तभी कुछ हो पाएगा देश का। तो पता चले बस एक चीज सीख ली। और जिनको बहुत कुछ आता है कोरल में, जानता हूँ बहुत सारे लोग सीखे हुए होंगे, तो भाई सॉरी फॉर देट, बिगिनर्स भी देखेंगे और जो फ्रेशर है वो भी देखेंगे। सो इसलिए मुझे आप लोग को थोड़ा सा ऐसी वीडियो दिखाना भी आए। अब जहाँ भी जैसे भी रखेंगे उसमें जितना भी आप काम करना चाहते हैं वो करेंगे, तो वो ऑलमोस्ट होता जाएगा, खैर टाइम बर्बाद ना करते हुए। और क्या दिखाऊं मैं इसमें, ये आपको टूल समझ में आएगा। पॉलीगन होता है इसमें, स्टार वगैरह टूल्स होते हैं। अच्छा ये जो है टेक्स्ट टूल कहलाता है, टेक्स्ट टूल मेन है अपने उसमें। इस पर क्लिक करूंगा, मैंने यहाँ के सिंपल क्लिक करा, अब यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ। हाँ यार मैं नाम को ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, हर बार इसी टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि नाम को मुझे एक ब्रांड बनाना है। कम से कम आप लोग याद तो रखो कि किसी से सीखे थे। हॉट पिज्जा कर देता हूँ मैं इसका, देन मीदा एनिमेशन। ये टाइप करने के काम में आता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं एक एक टूल्स करके भी आपको बताऊंगा। अभी मैं क्या है कि दो सेशन में मोस्टली टूल्स की वर्किंग समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको दो सेशन में एटलीस्ट टूल्स की वर्किंग समझ में आ जाए किससे क्या होता है। एक टूल्स की एक वीडियो बनेगी, बिकॉज एक टूल्स की वर्किंग बहुत होती है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसे ये अपना सिलेक्शन टूल है, इसकी वर्किंग सिखाऊंगा प्रॉपर। देन उसके बाद पावर क्लिप, जो जो इसमें होता है, बहुत सारे सेशन है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा सीख जाओगे आप सब, बस जुड़े रहना। इसमें अपन टेक्स्ट का समझ में आ गया, यहाँ से अपन चेंज कर सकते हैं जो भी अपन को लेना हो। जैसे मेरे पास इतने सारे वो रखे हैं, टेक्स्ट कौन सा मुझे चूज करना है, फॉन्ट्स है मेरे पास, ये मेरा साइज है, यहाँ से बोल्ड होता है या इटैलिक, यहाँ पर अंडरलाइन हो जाता है। खैर अब अपन आ जाते हैं, इसको मैं कुछ भी कलर कर देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इसलिए, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती है। अब जो है
ये आते हैं अपन लाइन टूल पे, पैरेलल डायमेंशन टूल कहते हैं इसको। ये क्या है कि अपन किसी का जैसे, ये देखो मैं आपको वर्किंग बनाता हूँ। जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल आपको बताया था, अभी रेक्टेंगल में एक टूल था थ्री लिप्स टूल, सेम उसी की तरह है ये किसी का नाप वगैरह लेना है, इसकी लेंथ वगैरह डिग्री नापना है, तो ये उसके लिए काम आते हैं। तो ये नक्शे वगैरह के लिए काम में आते हैं। तो अगर आप उसका काम करोगे तो ये टूल्स की वर्किंग आएगी, वरना मैं तो ये कहूँगा कि डायमेंशन के लिए मोस्टली मेरा काम आता नहीं है। तो अभी इसको ना ही दिमाग लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं अभी एरो बन गया ऑटोमेटिकली, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो खैर ये चीज़ें बाद में सीखने की हैं। ये आता है स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल, इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं, कनेक्टर वगैरह हैं, एक से दो, दो से तीन। अपन ने यहाँ मैंने रखा, डबल क्लिक करा, ये कनेक्टर हो गया। अब मैं इससे इसको मिला दूंगा तो ये कनेक्ट हो गया, देख रहा हूँ। यहाँ जाके इसको ऐसा कर दूंगा तो ये अलग चीज़ हो गई, कनेक्टिविटी चलती रहती है। जैसे मैंने यहाँ करा है ना, यहाँ करके फिर यहाँ करा, ये सब अलग अलग सिलेक्शन है। खैर इसमें मत उलझो, अब ये दो टूल्स अपने काम के नहीं है, क्योंकि जब अपन एक्रोबेट वगैरह का काम करते हैं या अपन किसी का नक्शा बनाते हैं उसमें काम आते हैं, ठीक है। अब जो नीचे है, मैं देखो जो मेन टूल्स की वर्किंग है वो ज़्यादा सिखा रहा हूँ, तो ये जो टूल्स हैं इनको भी मैं समझा दूंगा एक एक करके सब। ये ड्रॉप शेडो है, जैसे मुझे अब इस पर क्लिक करा मैंने, अब इसको मुझे इसकी शेडो लेना है, मैंने इसकी शेडो ली लाइक दिस, तो ये इसकी शेडो आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पर ओपेसिटी अगर इसकी कम करना है तो मैं यहाँ जाऊँगा सिंपल ऊपर और इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा, या बढ़ाना है या जो भी करना है वो इससे हो जाएगी, है ना। यहाँ भी सेम वही है कि अपन को कितना उसको फैलाना वगैरह है इतना, और यहाँ पर गेस्चर इनसाइड में लेना है, मिडिल में लेना है, आउटसाइड में लेना है। आउटसाइड कर देता हूँ मोस्टली, आउटसाइड इनवर्स स्क्वाइड मल्टीपल, ये सब चीज़ें तो आपको करने के बाद ही आएंगी मोस्टली, यूज एंड ट्रैक करने की वो रहती हैं, ये सब यूज़ करो आप जो उनसे जिसको बेटर लगे, सब अलग अलग वर्किंग करते हैं। खैर तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। इसके बाद इसमें टूल्स आता है काउंटर टूल, इसकी वर्किंग क्या है, ये भी बहुत अच्छा टूल है। जैसे मेरे मैटर के ऊपर मुझे आउटलाइन लेना है, तो ये देखिए आप आउटलाइन, इसमें ऑटोमेटिकली मैंने क्लिक करा, देन इसके बाद इसमें आउटलाइन आ गई। अब मैं इसमें कलर जो भी चाहे वो भर सकता हूँ लाइक दिस, तो काफ़ी अच्छा टूल्स है ये भी, इसको आप यूज़ कर सकते हो किसी भी 3D वर्क देने के लिए। जैसे मेरे पास मैटर है, मैं इसमें आउटलाइन दूंगा तो वो उसके अंदर ही आएगी, वो चीज़ अलग हो गई, वो चीज़ अलग हो गई, दिख रही है आपको, ये देखिए ऐसा है। मैं हटा दूंगा तो ऐसी हो जाएगी, करूंगा आउटलाइन तो ऐसी हो जाएगी। खैर अब जो है वापस स्क्रीन पे आते हैं, ये जो मैंने बनाया है, हाँ इसमें अगर मैं चाहूँ तो ये चीज़ अलग अलग भी कर सकता हूँ ऐसा। मैं इसको कॉपी, इसको पेस्ट करा चाह रहा हूँ, इसके अंदर एक छोटा सा ऐसा ऑप्शन दे दूँ कि वो थोड़ा सा कूल लगने लगे। तो इसके लिए देखो मैं फिर कह रहा हूँ, डिज़ाइनिंग में बाद में सिखाऊंगा, डिज़ाइनिंग के लिए वो मत करना, जब डिज़ाइनिंग सीखना है, डिज़ाइनिंग सीखना पहले टूल्स की वर्किंग सीख लो, है ना। स्टार्टिंग में कोई भी एक्चुअल में सीख नहीं जाता,
सबको थोड़ा सा टाइम लगता है। जितना अच्छा हो सकता है उतना मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी के डिज़ाइन है ये सब, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। लाइक थंबनेल सेशन वन डेस्कटॉप पे सेव करना चाहिए इसको, ओरल सेशन टूल्स वर्किंग, ये मैं इसका नाम सेव कर देता हूँ। सो टूल्स वर्किंग नाम से फाइल मेरी सेव हो गई। अब आपको यहाँ तक इसके जो टूल्स हैं, देखो ड्रॉप का आ गया, काउंटर का आ गया, ब्लेंड का, ये कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैं कैसे बताऊँ जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जैसे ये मैंने एक बॉक्स लिया, देन इसके बाद ये बॉक्स लिया, मुझे इसको ब्लेंड करना है। तो यार सिंपल सी चीज है, ब्लेंड का ऑप्शन लिया मैंने और जहाँ से जहाँ तक ब्लेंड करना है, ये देखो आप उसमें उतने उसके अकॉर्डिंग बॉक्सेस या अपने सर्कल बॉक्स या कुछ भी डिज़ाइन आप जो डालोगे उसमें ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। ये देखो आप काफ़ी कूल लुक लग रहा है ना। तो यार ऐसा ही कुछ है ये सब, बहुत आसान भी।